चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके समसामयिक की जो वार्षिकांक निकलती है, घटनाचक्र की दृष्टि निकालता है ना ये दृष्टि, ठीक है, उसी को हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग कवर कर चुके हैं, और आज की इस क्लास में हम लोग आयो और समतियां देखेंगे। लास्ट क्लास में आपका ऑपरेशंस और अभियान को हम लोगों ने कवर किया था। एक बात याद रखिए कि जितनी भी अभी तक आपकी क्लासें ली गई हैं, समसामयिक की घटनाचक्र वार्षिकांक के नाम से प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है, उसी में सब कुछ डला है। तो आपको पूछने की ही जरूरत नहीं है, आप वहां जाइए, सब कुछ क्रम से आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो हम लोग आयोग और समितियों को देख लेते हैं। कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह, 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कब? 31 जुलाई 2020 को। आईटीसी के चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक निदेशक ये हैं संजीव पुरी, इस विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष होंगे। तो इनका नाम याद रखिए, तो आप लोग नीचे लिखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है? आप लोगों को नीचे लिखना है, इतना सर्च कर लिया करिएगा। विकास दुबे प्रकरण की न्यायिक जांच हेतु, ये विकास दुबे कौन है आपको मालूम होगा, उत्तर प्रदेश उच्चतम न्यायालय ने विकास दुबे प्रकरण की न्यायिक जांच हेतु 3 सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी दी है। ये 22 जुलाई 2020 की बात है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर बी एस चौहान इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इस जांच समिति में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शशिकांत अग्रवाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक के एल गुप्ता शामिल होंगे। यह समिति कानपुर के चौबेपुर थाना अंतर्गत बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों के मारे जाने और उसके बाद हुई मुठभेड़ की घटनाओं की जांच करेगी। तो इसमें आप लोग इन्हें याद रखिए, इसके जो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर बी एस चौहान इस समिति के अध्यक्ष होंगे, डॉक्टर बी एस चौहान इस समिति के अध्यक्ष होंगे। और ये आपकी इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें आप देखेंगे शशिकांत अग्रवाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं के एल गुप्ता। इन्हें भी याद रखिए क्योंकि पूछ सकता है आपका यूपीपीसीएस और बाकी यूके यूपी के एग्जामों में। पर आपने देखा होगा कि इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल की व्यवहार्यता की जांच हेतु कार्यबल, तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा एक 9 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया गया है जुलाई 2020 में। आई आर डी ए आई के कार्यकारी निदेशक सुरेश माथुर इस कार्य समूह के अध्यक्ष होंगे। कौन? सुरेश माथुर। मानव अधिकारों पर कोविड 19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु तो विशेषज्ञ समिति, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा गठित किया गया जुलाई 2020 में। 11 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के एस रेड्डी करेंगे। तो अध्यक्ष के बारे में याद रखिए, डॉक्टर के एस रेड्डी। औषध कोष आयोग की पुनर्स्थापना को मंजूरी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए इस आयोग की पुनर्स्थापना को अपनी मंजूरी दी है 13 जून 2020 को। इसमें गाजियाबाद में वर्ष 1975 में स्थापित 2 केंद्रीय प्रयोगशालाओं फार्माकोपिया लेबोरेटरी और फॉर इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी का विलय कर दिया गया है। फिर आप देखेंगे ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार हेतु समिति गठित की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मई 2020 में गठित की गई है 11 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के स्पेशल ऑन ड्यूटी अधिकारी राजेश भूषण करेंगे। कौन? राजेश भूषण करेंगे। कोविड-19 से संबंधित अधिकार प्राप्त समूह, केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 से संबंधित जवाबी गतिविधियों के लिए निजी क्षेत्र एनजीओ और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया गया है। कब? ये 29 मार्च 2020 को किया गया है, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत इस अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष होंगे, ठीक है। रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर एक समूह सुरक्षा पर समूह गठित किया गया 15वें वित्त आयोग द्वारा। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इस समूह के अध्यक्ष होंगे। तो आपको यही इसका आंसर मिल गया है, यहाँ पूछा तो जो एनके सिंह इसके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और इस समूह के भी आप वही अध्यक्ष होंगे। फिर आपने देखा है कि 19वीं भारत ईरान संयुक्त आयोग की बैठक हुई है 2019 में, तेहरान ईरान में संपन्न हुई है 22 दिसंबर 2020 को। इसकी सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस
जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर मोहम्मद जवाद सही जरीफ ने की है। ठीक है, हमारे आपके जो विदेश मंत्री है अभी डॉक्टर एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया था। राष्ट्रीय खेल संहिता 2017 की समीक्षा हेतु विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा गठित की गई है 26 नवंबर 2019 को। उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा इस 13 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष होंगे, तो अध्यक्ष को जरूर याद रखा करिएगा। नई जल नीति का मसौदा तैयार करने हेतु भी एक समिति गठित की गई है, केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई है 11 नवंबर 2019 को। योजना आयोग के पूर्व सदस्य और जल विशेषज्ञ मेहर साय इस समिति के अध्यक्ष होंगे, मेहर साय। ठीक, पर आपने देखा होगा कि आवास वित्त प्रतिभूति करण बाजार के विकास पर समिति बनी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 6 सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को जारी किया गया 9 सितंबर 2019 को। बैन एंड कंपनी के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर हर्षवर्धन इस समिति के अध्यक्ष होंगे और रिपोर्ट में बाजार निर्माण और मानक स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से एक सरकार प्रायोजित मध्यस्थ की स्थापना की सिफारिश की गई है। तो ये थे आपके कुछ जो भी अभी 2018-19, 19-20 में आपके आयोग और समितियां बनी हुई है। मुझे यहाँ लगता है कि 2019 की शुरू में भी जो समितियां बनी थी उन्हें भी आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। लास्ट बार हम लोगों ने ये बुक्स कवर की थी आपकी, तो उसमें पढ़ाया था करीब। आप समझिए, आप लोग की देख लें अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। इस बार आप देख रहे हैं 2020 में कुछ ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं है ना, तो इतनी ही है। हम लोग आगे मिलते हैं आपके सम्मेलन और समारोह देखेंगे।